एक हम लोग होटल, वो पीछे हरा वाला मस्त व्यूज पीछे दिख रहा है, चारों तरफ एक्चुअली दिख रहा है नागू व्यूज, नागू लेक से तो और अच्छे व्यूज दिखने चाहिए। बस हेडिंग टूवर्ड्स दैट, ऑलमोस्ट कहीं पर उधर कहीं जाना है, देखते हैं यार। यार माइक भी नहीं लिया, शिट। नागपुर लेक का रास्ता ये, थोड़ी सी सीढ़ी से सड़क साफ नीचे आ जाओ और यहाँ से नागपुर लेक का व्यू बेहतरीन आपको मिल जाएगा, अच्छा व्यू है, रिकमेंडेड है ऊपर जाना भी, ट्रक कर सकते हो अलगा से ऊपर ना, अच्छा व्यू मिलेगा लेक का, देखते हैं यहाँ से कहाँ है वो ऊपर। हे आओ, वाह, दिस इज अ मैन मेड लेक, मैन मेड नहीं है तो सूख कैसे रही है, बर्फ पड़ती है तब सूख रही है। ओह भाई, अच्छी हवा चल रही है, क्या मामला है, वीडियो करो याद रहूंगा इससे पत्नी। अपने मन की कर सकते हो, फिर मैंने अपना माल बंद कर दिया था लाना, जीजू से लेता रहा, जीजू को भी तकलीफ ना हो, कि मैंने जगह देखा यार मेरी काट कर रहा है, माल जीजू से ही लेता रहा था, बिजनेस अपना था। क्या नाम भाई आपका? मेरा राजेंद्र कुमार। राजेंद्र कुमार, और मयंक है, इसका नाम पीयूष है, आप फेसबुक में कर लेना। हाँ भाई बिल्कुल, आप यूट्यूब शुरू देखते हो तो हमारा चैनल फॉलो कर सकते हो। Look at the bros bro, going like anything, doing your offroading tour, नामी गिरानी, एक मशहूर साइट सिंह जिसका नाम है जेसीबी की खुदाई, उसके साथी हम बने, हम कृपालु हैं। हम बहुत किस्मत वाले हैं कि हम जेसीबी खुदाई देख रहे हैं। भाई यहाँ पर बॉर्डर रोड का काम हो रहा है, डबल रोड बनेगी, नाको से पूरा काजक तक करीब 10 किलोमीटर का जो पैच है ये, इसको सही किया जा रहा है। जेसीबी की खुदाई पिछले 1 घंटे से चल रही है, आधा घंटा और चलेगी, अभी और चलेगी क्या? हाँ पीछे लोग लगे हैं, देखो पीछे भी लग गए, जाम हो गया। नहीं मैं कह रहा हूँ यहाँ पे वो कितना बोल लेते, कितना टाइम लगे? आधा घंटा बोल, पूरे 1 घंटे के ऊपर लगे। कितना टाइम बज रहा है भाई? 11:27 हो गया भाई, अभी तक कोशिश करते तो बहुत जाते हैं, 1.5 घंटा हो गया हम लोग जेसीबी को खुदाई देखते हुए। 1.5 घंटा पूरा हुआ, हाँ ये पैच देख लो खत्म होने वाला ही नहीं लग रहा है, चले पड़ा है ये तब के बाद से जब से जेसीबी वाला हुआ है, ये 10 किलोमीटर का कुछ पैच है और कोई विजिबिलिटी नहीं है कि आगे गाड़ियाँ चल रही है, ऐसे ढलान उतरे पड़ी है बजरी वाली, भाई सेकंड गियर में ही गाड़ी चल रही हो, खींच रही को देख भाई कैसे चलाते हो, निकल गया यार, निकल गया और सारे बाइकर्स ने पीछे कर दिया उसने, एकदम हॉर्न दबा दबा के चल दिया उसने, बहुत बेहतर है यार। लो ऐसे सड़क है स्पीति की, बहुत हो गई अच्छी सड़क है। अभी भी हमने स्पीति में एंटर नहीं किया है ना? नहीं, समदो से ना भाई, सड़क पिन बैंड चालू, भाई नीचे उतर रहे हम लोग, एग्जैक्टली कहाँ को, हरलिंग, हरलिंग जाएगा, हरलिंग तक ना, वो समदो तक, समदो तक, समदो के बाद से स्पीति चालू, और ये रूट भाई इसीलिए ऐसे ही नहीं बोलते, डेंजरस, ट्रेचरस रूट, ट्रेचरस रूट, सही बात है, एडवेंचर का तो पूछो ही ना, इन टू 10 चल रहा है। ऑर्डर ब्रो, ये लटक जाने वाली जगह है एकदम, पहले कहते थे शायद स्पीति पूरा समुद्र के अंदर ही था, बाद में मतलब बाहर आया। ओ भाई साहब, काला है पहाड़, काली राख, राख राख, ये बाएं जाना है, नहीं नहीं नीचे, ये इधर चांगो भाई साहब, ले आने दे जैसे भी खुदाई, यहाँ तो जल्दी हो जाएगा।
आज तक वो रोड खुला ही नहीं है। अच्छा, डेड बोर्ड चांगो कॉरिक 30 किलोमीटर है, लरी ताबो ताबो 40 किलोमीटर है। ये चेक पोस्ट है भाई? बहुत हम लोग पुराने एंशियंट टाइम वाली जगह पर है। क्या कहते हैं आपने कहा था पूरा ये गुंपा बना ना, गेट और गुंपा, ये मेरी आंखों के सामने बना है। अच्छा, ना सारे बुद्धिस्ट आप बोलेंगे ना। सामने देखो टेरेंस को। ओ भाई साहब, बुद्धिस्ट के अलावा यहाँ बैंक पे अच्छा गाड़ी ले सकते हैं। यहीं से यहीं से उतरेगा, चढ़ जाएगी ना। हाँ हाँ, चल तो जाएगी। ओ भाई, हम लोग ऑफ रोड करके नीचे जा रहे हैं। फिर आवांगे, फिर मिलांगे। चलो इस सफर से आप मेरे को भी थोड़ा याद रखोगे। बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई, बहुत मजेदार जगह है ये। नीचे स्पीति रिवर बह रही है। बहुत लोगों से मिले इस सफर में। स्पीति रिवर के पास जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि नदी में अभी तक नदी के पास गए ही नहीं हम लोग। ओ भाई साहब, आ जाएगी वापस? बस ऊपर ही लगा दो गाड़ी। हाँ, चलते पैदल। लुक एट द प्लेस, दिस इज स्पीति रिवर सामने जो आ रही है, और इसके साथ साथ ये सड़क जा रही है, काजा जा रही है। सो वी आर कमिंग फ्रॉम नाको, और काफ़ी रास्तों को रोकते हुए काफ़ी काम हो रहा था रास्तों में, पैचेस हैं। अभी से अच्छी सड़क मिलनी चालू हुई है, इससे पहले नाको में तो बहुत अच्छी सड़क है सब जानते हो, लेकिन यहाँ का व्यू इतना अच्छा था कि हमने अपनी गाड़ी यहाँ रोक दी सड़क से जस्ट बगल में, और अब हम पैदल जा रहे हैं। 4x4 तो उतर गई। आई डोंट वॉन्ट टू टेक अ रिस्क बाई गोइंग दिस वे राइट, क्योंकि पता नहीं ट्रैक्शन कहाँ, पत्थरों में रोल ओवर हो, घुस जाए मेरे इंजन में कहीं पर, जस्ट डोंट वांट दैट। अभी चल रहे हैं, मजा करते हैं, जाए फटाफट शॉर्टकट वे से उतर जाओ। ओ भाई, तार पड़े हैं, इधर तो नहीं जाना यार। मेरा माइक बहुत दिक्कत दे रहा था, उसकी मतलब सेटिंग, आई मीन माइक को मैंने फंसाया है अपने गोप्रो माउंट में, तो थोड़ी दिक्कत दे रहा था, और अभी सही है। वो साले पहुँच गए भाई। यार कलर देख रहे हो इसका, वो सड़क देखो, हम लोग कहाँ से आ रही हूँ, कांट बिलीव, पीछे से कहाँ से सीधे उतरते ही आ रहे हैं, वो भी इतनी इस तरह की सड़क पे यार, जिस पे चल रहे हैं हम, गिट्टीदार वाले रोल ओवर वाली, कोई ट्रैक्शन नहीं, ब्रेक मार दो तो हिलते हुए जाए, ब्रेक मारा ही नहीं मैंने, बस यूजली धीरे ही चल रहा था सेकेंड गियर में इंजन ब्रेकिंग इस्तेमाल करके। ओ भाई साहब। हाँ चल चल, तो भाई थोड़ा सा तो ट्रेचरस है पर मजेदार है। वुडलैंड काम कब देंगे? वुडलैंड भी अच्छा, यही अभी देख रहा था मैं उसको भाई। वो 4x4 देख रहे हो कहाँ लग गई, गजब कहाँ लगी एकदम बैंक पे। मजेदार भाई, आज सुबह सुबह ट्रैक किया था हम लोग नाको लेक, और नाको लेक के ऊपर अभी फिर से ट्रैक ही है। वाह, यही तो पत्थर है भाई, सब जो की तरफ मिल जाते हैं तो चूभा एकदम अचंभा हो जाता है कि क्या है। अच्छा, ये काट काट के तो कोई ऐसे पत्थर वो ईंटे बनाते हैं, बेहतरीन। नीचे कुछ आ रहा है, यही आ रहा होगा। पीयूष क्या वे मणि बनेगा क्या? हमें विकास भाई भाई आप ही थे भाई साहब, इच्छा थी कि अभी तक नदी के पास गए नहीं है, अंदर नहा नहीं रहे ऑब्वियसली। देखना था यार, विंटर्स भी थी, मैं तो यहाँ पर अलग ही माहौल होता होगा, मजा आ जाए। थोड़ा पानी छूता हूँ। जय स्पीति माई। ओ हाँ मैन, बहुत ठंडा है यार। हाँ ठंडा है भाई, ठंडा है भाई, बहुत मज़ेदार है। कलर देखो यार, हो कैसा कलर है भाई, जड़ी बूटी से कम है क्या ये? कोई पता नहीं, बहुत गहरा होगा ना। हाँ दिख रहा हो तो, मेरा दोस्त आशीष होता आज तो इसमें भी निकल जाता तैरने, उसको ठंडक लगती नहीं थी। हाइट है श्रमेण सर्वम सामर्थ्य, क्या ही ब्रिज, एक पाकिस्तान से नाला आ रहा है वो दिखाऊंगा अभी। अच्छा
अभी हम चलते खोतांग की तरफ। अच्छा नाला पर रिकॉर्ड कर ले भाई। पाकिस्तानी नाला नहीं, ये नहीं हाँ। ये पुल वाला। अच्छा पुल वाला ये नाला। अच्छा बड़ा वाला हमको ये नाला इतना कौन आइडेंटिफाई भाई। इनको ये ड्रॉप कर दो। बढ़िया भाई, थैंक यू भाई। आपका भी थैंक यू भाई। बड़े मजा, हाथ तो मिला ले भाई। अरे मैं तो उतर के मिलाता भी, ऐसे थोड़ी जाऊंगा। शाम को कैसे आप निकल लो? शाम को निकल जाओगे आप? आपसे वही नो सही है। अच्छा लगा आपसे भाई। अच्छा लगा, थैंक यू भैया। अजय भाई टेक केयर भाई। स्पीति अभी भी 6 किलोमीटर स्टार्ट कर रहा है, पर नीचे स्पीति रिवर बहुत सुंदर दिख रही है भाई। बहुत सही लग रही है, हर जगह ऐसा लैंडस्केप है भाई। कहीं पानी नीला है तो कहीं भूरा है, कहीं पहाड़ वेजिटेशन वाले हैं, कहीं एकदम ही बैरन माउंटेन्स हैं, भाई क्लिफ हैंगिंग तो भाई सब अलग ही हैं। हम लोग एकदम तलहटी पे पहुंच चुके हैं इस समय। वो देखो सामने क्या लिखा है, वो देख सामने क्या है, आगे पत्थर गिरते हैं। अरे वो नहीं, वहाँ टॉप पे कुछ आर्मी सुमदो का ही है मेरे ख्याल से। सुमदो कुछ फेमस है किसी चीज के लिए, दृढ़ता कर्म निष्ठा। सुमदो जीरो, वी रीच सुमदो। यहाँ होगा चेक पोस्ट का, वो है क्योंकि यहाँ से चाइना बॉर्डर बहुत बहुत पास है ना। मोनेस्ट्री बहुत ही फेमस मोनेस्ट्री और यहाँ बहुत ज्यादा रिकमेंड किया जाता है लोकल की तरफ से कि आप इस मोनेस्ट्री को जरूर घूमिए। यहाँ पर वो मम्मी है, एक सैंड से जो अपने आप मम्मीफाई की बहुत तपस्या साधना से उनको देखने के लिए। लोग कहते हैं कि अभी भी, मतलब ये बात है बहुत कॉमन है, लोग कहते हैं कि अभी भी उनके बाल और नाखून बढ़ना, साल में एक बार उनके दांत में खून भी दिखता है। सो ये बहुत सरप्राइजिंग चीज है भाई, इतना जब चमत्कार है तो जरूर देख जाओ। इतना तो कितने 100 साल, मतलब जो मम्मी साल के होना कहते हैं वो नेचुरल प्रोसेस होता है, मतलब मरे नहीं है, मरे नहीं, मतलब इनफिनाइट पूरे हो गया ना हमेशा के लिए। ऐसे चूज किया अपनी ऐसी बॉडी को, देखो जरा सड़क देख रहे हो नेचुरल तरीके से, वो ऊपर चट्टाने देख रहे हो कैसे भाई, बहुत संभल कर चला। ये लग रहा साफ की गई है, यानी बहुत खोते रहते लोग, क्यों नाला चल रहा है बगल में, वो कैसे बह रहा है पहाड़ ऐसे ऐसे बालू का पहाड़ और हवाओं से कैसे ऐसा हो जाता है ना। हवाएं भाई बहुत तेज चलती है ना हवाओं से, और पहाड़ भी ये वाले बिल्कुल मिट्टी वाले पहाड़ है ना, दरदरे एकदम दरदरे पहाड़ है। एक भी गिट्टी इसमें स्पेसिफिक साइज के ऊपर की नहीं दिख रही, बड़े माउंटेन बाउंड दिख रहे हैं, कुछ चट्टाने दिख रही, चट्टाने है ही नहीं इसमें, सैंड डून्स, सैंड डून्स भी आएगा ना अभी आगे। हम लद्दाख नहीं जा रहे हो? आएगा ना कहीं कहीं तो, यहाँ कहीं नहीं, लद्दाख में लद्दाख भी चलो, वहाँ पे भी मना कर दिया है उन लोगों ने, क्या बंद कर दिया है उससे पहले, लोग जहाँ पे सैंड नहीं अभी और बगल बगल खाई है भाई साहब। क्यू मोनेस्ट्री कहाँ हो तुम, इतने टन ले लेके ऊपर आ गए हम लोग, मोमेंटम खराब करवा दिया। यो 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 गेट द मोमेंटम ब्रो, टेक इट। की पहली झलक शायद ये हो रही मोनेस्ट्री वही है, पहली झलक इस वैली में आए हम लोग। 8 किलोमीटर करीब है वहाँ से, उस कट से, वो भी हाईवे कहाँ है यार, वैसे ही है पैचेस वाला। ओके ओके हाँ, द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट ऑफ दिस रोड इज नॉट जस्ट द रोड, इज द टेरेन, इज फॉल्स राइट। इतनी ज़्यादा वो दर्दरी है कि कभी भी गिर जाएगी, जैसे मेरा माइक गिर गया अभी। भाई इसकी सड़क का वो किनारा देखो जरा, वो भी ऐसा ही है जैसा हम लोग ऊपर देख रहे हैं, बह जाए साला कोई भरोसा नहीं। यहाँ पे देखो बस इसलिए गमक सीन डाले हैं, वाइट वाइट यहाँ पे देखो इसलिए पेड़ है क्योंकि नदी बह रही है, बता नहीं तो क्या सूखा है बिल्कुल। ऊपर आ गए हैं गूगल, बगल बगल में पूरा नदी पानी चल रहा है। गीव सिटी यहाँ से स्टार्ट होती है,
ऊपर टेरेन पे बर्फ दिख रही है, राइट में दिख रही है कि उस मॉनेस्ट्रीज का जो पूरा जगह बनाई गई Q0 यहाँ से चालू है तो यहाँ रुकने की व्यवस्था है नहीं अच्छा होटल रिजॉर्ट बना है वो ऊपर टॉप पे दिख रहा है वहाँ की वो जाना है मॉनेस्ट्री के लिए भाई फील आ रही है यहाँ रुकनी पड़ती है गाड़ी नहीं नहीं गाँव के अंदर से लेते हुए ओ या वेलकम टू क्यू मोस्ट ठीक है ऐसे जाके ऐसे किलोमीटर से जाके ऐसे 1 किलोमीटर ऐसे जाओ भाई भाई साहब आई अरे यार स्विच रेस पर बहुत सही है भाई साहब कैसी जगह है यार कैसे लोग बसे हैं यहाँ पर इतनी दूर दूर तक यार बहुत बड़ी बात है यार व्यू भाई किधर आ गए सामने जस्ट इस मोड़ के बाद आपको क्यू मॉनेस्ट्री दिखना चालू हो रही है लेकिन सामने का व्यू यार कितना तगड़ा है भाई वो देखो ऑसम नीचे पूरा क्यू मॉन दिख रहा है पूरा गांव सामने देखो यार ऑसम देख ली हम लोगों ने मम्मी देख ली दोबारा पता नहीं कब मौका मिलेगा 4 साल 5 साल कुछ भी लग सकता है भाई वापसी आने के लिए स्पति का मूड बनाने के लिए फिर से दिस इज वन टाइम वैसे कि यू वन टाइम अच्छी लोकेशन है यार कैसे लोग बस गए बहुत बड़ा सवाल है यहाँ पर जाते समय आपको अलग दृश्य दिखेगा अलग विजन है वापसी में अलग है सबको मिलेगी टॉफी कितनी सारी टॉफी है लो तुम लोग क्या नाम है बताओ नाम बताओ नीमा नीमा तुम्हारा नाम क्या है विनय विनय तुम्हारा नाम नाम बता दो लो ये भी लो तुम्हारा नाम क्या है दुर्जय दुर्जय बाबू ले लो छोटू तुम आ ही नहीं रहे हो कैमरे में छोटू लो सब लोग हाय कर दो आ तुम भी ले जाओ ले लो टॉफी कोई बात नहीं लो सब लोग बाय बाय और नहीं बाय बाय नहीं